मुंगेर जनता दल यूनाइटेड मुंगेर की तरफ से भाजपा के जातीय गणना को रोकने के प्रयास के विरुद्ध पोल खोल अभियान के तहत 1 सितंबर से लगातार पार्टी के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोल खोल अभियान के तहत आज मुंगेर में दिलीप बाबू धर्मशाला से जिलाध्यक्ष और तारापुर विधायक के नेतृत्व में सरकारी बस स्टैंड तक हजारों की संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया, जो सरकारी बस स्टैंड के समीप जा सभा में बदल गया और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में केंद्र सरकार विरोधी नारे वाले तख्तियां लिए, केंद्र सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे। वहीं तारापुर जदयू विधायक राजीव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना का विरोध करती है, वह बिहार के जनता का हक मारी करने की साजिश कर रही है। जब भाजपा और जदयू दोनों की साथ में सरकार थी तब भाजपा जातिगत जनगणना के पक्ष में थी, पर जैसे ही अलग हुई उसके सुर बदल गए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह साबित कर दिया है कि भाजपा के कटनी और करनी में अंतर है। नीतीश कुमार बिहार में अपने दम पर जाति आधारित जनगणना करवा रही है और ये जो जनगणना विरोधी और आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार है, मशाल जुलूस के माध्यम से उसका पोल जनता के सामने खोलने का काम किया जा रहा है। यह अभियान अभी है, जिला मुख्यालय से उप प्रखंड स्तर तक के मुख्यालयों में भी होना है और भाजपा सरकार का पोल खोलना है। शहर से लेकर गांव तक हम लोग केंद्र सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जदयू के कार्यकर्ता गांव में जाकर केंद्र सरकार के कारनामों को लोगों को बताने का काम करेंगे। मौके पर हजारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो हम लोग मशाल जुलूस भाई नचिकेता मंडल जी के नेतृत्व में जो मशाल जुलूस चलाने का काम किए, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने देश के साथ पूंजीपतियों के साथ मिलकर के जो सरकार जो भारत में चला रही है वो सबसे घिनौनी काम कर रही है। साथियों, सबसे पहली बात थे कि जब भाजपा और जदयू की सरकार थी तो उस समय जो है मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ से जाति जनगणना को लेकर के मिले और उन्होंने कहा था कि आप जाति जनगणना करा सकते हैं, लेकिन जब भाजपा अलग हो गई तो उनका जो है चेहरा बिगड़ गया बिहार के प्रति। उन्होंने जो है भाजपा के कई वरिष्ठ वकील को जो है सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए गया कहा और वहां से केस करके चाहा कि यहाँ की जाति जनगणना को रुकवा दें, लेकिन कहता है ना कि पूछ के पाँव पल्ले में देखा जाता है, तो उसी तरह नीतीश कुमार जी जो है यहाँ पर जाति जनगणना अपने दम पर बिहार में करवा रही है। इस जाति जनगणना और जो है आरक्षण विरोधी जो भाजपा सरकार है उसके लेकर के जो है हम लोग आज जो है मशाल जुलूस के साथ जो है धरना दिए, बाद में जो है हम लोग प्रखंड में भी धरना देने का काम करेंगे। 7 से 11 तक जो है प्रखंड में जो है मशाल जुलूस के साथ जो है हम लोग जो है पोल खोल खोलेंगे इस प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इसके विरुद्ध में। इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि जितने लोग इतना समर्पित जनता दल यूनाइटेड के लोग आए, इसको हम जो है इसके प्रति इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब हम जब प्रखंड के तरफ जाएंगे तो वहाँ भी जो है मशाल जुलूस लेकर के जो है पोल खोल खोलने का काम करेंगे भारत का। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार।